उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा दौरे पर ताज नगरी में सौगातों की बौछार कर दी। यहां पर जीआईसी ग्राउंड पर आयोजित किसान ऋण मोचन कार्यक्रम में शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की राजनीति को जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के चुंगल में फंसाकर उत्तर प्रदेश को विकास से दूर रखा। वहीं उन्होंने कई दिनों से चल रहे ताज विवाद को दरकिनार करते हुए कहा कि ये भारत के मजदूरों और किसानों के खून और पसीने की कमाई से बना है। साथ ही आगरा में हो रही पानी की समस्या को दूर करने के लिए यमुना नदी की डाउन स्ट्रीम में रबर डैम बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 350 करोड़ होगी। आगरा में एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल के लिए 65 करोड़ देने की भी बात कही, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर होगा। उत्तर प्रदेश में वहां पर बड़ी संख्या में लोग भगवान सूर्य की उपासना के इस पर्व को मनाने के लिए जगह जगह एकत्र हुए होंगे, बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे होंगे। मैं छठ के इस पर्व पर, जो भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है और सामाजिक एकता का पर्व भी है, इस पर्व पर भी आप सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आगरा आने में बहुत सारे लोग आपत्ति कर रहे थे कि आखिर आगरा क्यों जा रहे हैं। आगरा आने पर आपत्ति उन्हीं लोगों की है जिन लोगों ने समाज को जातीय खेमों में बांट करके रख दिया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसा करके, यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके उत्तर प्रदेश को विकास से वंचित किया था कि ताज क्यों बना, कब बना, कैसे बना। महत्वपूर्ण यह है, ताजमहल का निर्माण भारत के मजदूर और किसानों की खून और पसीने की कमाई से बना है। भारत की वास्तु का एक अनमोल रत्न जिसने दुनिया को दिया है और जिसने दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। अगर उस विरासत की रक्षा और उसके संरक्षण और संवर्धन का दायित्व आपके ऊपर है, उससे आगरा का व्यवसाय बढ़ता है, पर्यटन बढ़ता है, तो उसके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी को हम सबको निभानी पड़ेगी। कि रबर डैम का जो प्रस्ताव यहां पर तैयार हो रहा है, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई न्यायालय के द्वारा कोई प्रतिबंध न हो और माननीय उच्चतम न्यायालय हमें अनुमति देगा, तो हम लोग ताज के डाउन स्ट्रीम में 350 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर रबर डैम की स्थापना करके आगरा की जल की समस्या का समाधान करेंगे। एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित होना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है, हम लोगों ने इस एयरपोर्ट के लिए 65 करोड़ रुपए जो उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त होने थे, हम लोगों ने 65 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार का उपलब्ध करवा दिया है। यहाँ पर जमीन अधिग्रहण की जो भी कार्रवाई होनी हो तत्काल उसको करके सिविल टर्मिनल का निर्माण यहाँ पर हो, और इस सिविल टर्मिनल के निर्माण के साथ साथ हम लोगों ने इस सिविल टर्मिनल के नामकरण को भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर करने का निर्णय लेकर के अपना प्रस्ताव यहां से उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजमहल पर हो रहे विवादों पर विराम लगाते हुए कहा कि ताजमहल एक ऐतिहासिक धरोहर है जिन्हें हमारे मजदूरों ने बड़ी ही मेहनत से बनाया है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे लोगों को हमारे दौरे बुरे लगते हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। पंजाब के सी टीवी के लिए आगरा से कैमरामैन सोनू कश्यप के साथ ब्रजभूषण।